पहला कुरिंथियों, स्थानीय कलीसिया और उसके काम। इसमें हम देखेंगे पौलुस द्वारा सराहना और निर्देश, सूली का शब्द, धर्म परिवर्तित या शिष्य, मसीह के सच्चे सेवक, संसार की आत्मा, सब बातों में परमेश्वर की महिमा करे, अनैतिकता से दूर भागे, एक परिपक्व मसीही, चेतावनियां और निर्देश, मसीह की देह के निर्माण के लिए दान वरदान। इस पत्र के दूसरे पद में हमें इसका विषय नजर आता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथियुस में है। 1:2, ये पत्र एक नगर या गांव में एक स्थानीय कलीसिया के क्रियाशील होने के बारे में है। इन दो अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें, परमेश्वर की कलीसिया और कुरिंथ नगर। कलीसिया का प्रभाव नगर के लोगों पर पड़े, इसकी जगह ये एक दुर्भाग्य की बात थी कि नगर की आत्मा कुरिंथियों के मसीहों के बीच घुस आई थी। ये आज की बहुत सी कलीसियाओं में भी हुआ है, जहां विश्वासियों ने अपने आसपास के लोगों को तो प्रभावित नहीं किया है, लेकिन खुद संसार की आत्मा से प्रभावित हो गए हैं। पौलुस ने कुरिंथियों के मसीहों की बहुत सी बातों के लिए आलोचना की, क्योंकि उनके बीच में बहुत बुराई फैली हुई थी। लेकिन उन बातों के बावजूद जो उसे उनसे कहनी थी, उसने फिर भी अपनी पत्री का आरंभ धन्यवाद के साथ किया। ये हमारे अनुसरण के लिए एक अच्छा उदाहरण है। चाहे परमेश्वर की एक संतान में हमें बहुत सी गलत बातें नजर आ रही हो, फिर भी कुछ बातें ऐसी जरूर होती है जिनकी हम सराहना कर सकते हैं। वैसे भी हमने जिसकी कभी किसी बात में सराहना न की हो, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग आलोचना द्वारा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आलोचना करने से पहले उन्होंने उनकी किसी अच्छी बात के लिए कभी उनकी सराहना नहीं की थी। अगर मैं चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखूंगा तो मेरा लिखा हुआ आप देख सकेंगे, लेकिन अगर मेरे पास ब्लैकबोर्ड न हो और सिर्फ एक चौक हो, तो अगर मैं सही बातें भी लिखूं, तो भी आप मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मैं हवा में लिख रहा हूंगा और आपको मेरा लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आएगा। एक सहायक रूप में हम सिर्फ सराहना के ब्लैकबोर्ड पर ही आलोचना के चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बीते समय में एक व्यक्ति की सराहना की है, फिर जब आप आलोचना का सफेद चौक लेते हैं, तो वह साफ तौर पर ये देख सकेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसकी कभी प्रशंसा नहीं की है, तो आपके पास लिखने के लिए कोई ब्लैकबोर्ड नहीं होगा। फिर आपकी सारी आलोचना के सही होने पर भी आप हवा में ही लिख रहे होंगे और उस व्यक्ति की कोई मदद न हो सकेगी। ज्यादातर विश्वासी हवा में ही लिख रहे हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक ज्यादा अच्छा तरीका दिखाता हूँ। पहले उस व्यक्ति से प्रेम करें और उसमें नजर आने वाली किसी अच्छी बात के लिए उसकी सराहना करें। फिर आपके द्वारा बोला गया आलोचना का एक शब्द भी उसके हृदय की गहराई में उतर जाएगा और वह उसके बारे में कुछ करेगा। पौलुस की सराहना और निर्देश। पौलुस ने अपनी बात इस तरह शुरू की, उसने कहा, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। 1:4, पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की कृपा पाई थी। उन्हें पवित्र शास्त्रों का ज्ञान था और उनकी एक मसीही साक्षी थी। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के दान वरदान थे। वे ऐसे विश्वासी नहीं थे जिन्हें आत्मिक दानों की कोई परवाह नहीं होती। वे बड़ी उत्सुकता से मसीह के लौटने की भी बाट जोह रहे थे।
ये सब होते हुए भी इस कलीसिया में बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन हम यहाँ पौलुस से एक पाठ सीख सकते हैं। पहले लोगों की सराहना करना सीखे। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के बच्चों को एक कोरा कागज दिखाया। उस कागज के एक कोने में एक छोटा सा काला बिंदु था। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे कागज को ध्यान से देखें और जो उन्हें नजर आए वह लिखें। सबने यही लिखा, मुझे कोने में एक काला बिंदु नजर आ रहा है। शिक्षिका ने कहा, तुम्हें सिर्फ काला बिंदु ही नजर आया, लेकिन तुम में से किसी ने सफेद कागज के बारे में कुछ नहीं लिखा है। हम सब ऐसे ही हैं। एक व्यक्ति में बहुत सी सफेदी हो सकती है, लेकिन हमें उसमें सिर्फ एक काला बिंदु ही नजर आता है। दूसरे लोगों में बहुत सी अच्छी बातें होती है। हम पहले उन बातों को देखने पर अपना ध्यान लगाएं। जैसे परमेश्वर लोगों को देखता है, हमें भी अपनी आंखों को वैसा ही देखने वाली बनाना होगा। इसके बाद पौलुस ने उन्हें उनकी कमियों के बारे में बताया। सराहना का ब्लैकबोर्ड लगा देने के बाद अब वह उस पर उन्हें सुधारने की बातें लिख सकता था। उसने कहा, तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई मैं अपुल्लोस का हूँ, और कोई मैं कैफा का हूँ, और कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। 1:12। वे इस तरह बढ़ गए थे जैसा बंटवारा आज मसीही धर्म पंथों में है। हर एक पंथ का अपना एक लोकप्रिय प्रचारक था। एक समूह अपने आप को दूसरे से ज्यादा पवित्र समझता था और ये कहता था, हम मसीह के हैं। क्या आप सोचते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि मैं मसीह का हूँ, तो वे दूसरों से ज्यादा आत्मिक थे? नहीं, वे शायद कलीसिया में सबसे ज्यादा घमंडी लोग थे, जो दूसरों को नीची नजर से देख रहे थे, क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि सिर्फ वे ही मसीह की देह है, जैसा आजकल के बहुत से मसीह समूह भी सोचते हैं। उन्हें उन दूसरी कलीसियाओं के विश्वासियों की सराहना करनी चाहिए और उन्हें मूल्यवान जानना चाहिए जो हमारी कलीसिया के नहीं है। ये न सोचे कि क्योंकि आपकी कलीसिया गैर धर्ममतीय या अंतर धर्ममतीय है, इसलिए वह धर्ममतीय कलीसियाओं से ज्यादा आत्मिक है। मैं कुछ ऐसे गैर धर्ममतीय कलीसियाओं के सदस्यों से मिला हूँ जो बहुत ही अहंकारी और मक्कार थे, और मैं कुछ ऐसे धर्ममतीय कलीसियाओं के सदस्यों से मिला हूँ जो सबसे ज्यादा नम्र और दीन लोग थे। फिर पौलुस ये पूछता है, तो क्या मसीह विभाजित हो गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ाया गया था, या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला था? 1:13। पौलुस तो लोगों को बपतिस्मा देने से भी बचता था कि कोई इस बात में डींग न मार सके कि मैंने पौलुस द्वारा बपतिस्मा लिया है। 1:16। 1:17 में पौलुस ने एक विषय वस्तु की शुरुआत की जो पहला कुरिन्थियों के अंत तक बनी रही है, सूली का वचन। कुरिन्थियों जैसी एक शारीरिक कलीसिया की अनेक समस्याओं का क्या हल हो सकता है? सूली का वचन। सूली की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। 1:18। सूली का वचन। सूली का वचन क्या है? ये यीशु के जीने का तरीका है। अपनी कमजोरियों को जानना, दूसरों की गलत फहमियों का शिकार होना और उनके द्वारा अस्वीकार किया जाना, पलटकर कुछ न करना और मनुष्य से कोई गौरव और आदर नहीं चाहता। पौलुस 2 कुरिन्थियों 13:3-4 में भी इसकी बात करता है। और फिर पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो। तुम में से ज्यादातर न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत कुलीन और न बहुत शक्तिमान हो। ये सूली का शब्द है।
परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुना है कि संसार के बलवानों को लज्जित करें। पहला अध्याय 26 से 28। जब यीशु ने अपने शिष्यों को चुना तो उसने अपने समय के बाइबल के ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए अनपढ़ मछुआरों को चुना था। गमलियेल बाइबल सेमिनरी का प्राचार्य और हनन्या और कैफा धर्माध्यक्ष आर्च बिशप थे, लेकिन यीशु ने पत्रस, याकूब और यूहन्ना को चुना जो अनपढ़ मछुआरे थे, कि फिर वे नई वाचा के अग्रदूत होने के लिए उसके पथ प्रदर्शक प्रेरित हो। यीशु ने ऐसे अनपढ़ और गवार लोगों को चुना जो कठोर परिश्रम करने वाले, ईमानदार और बड़े दिल वाले थे। ये उसने अपने समय के धार्मिक समाज के चतुर लोगों को लज्जित करने के लिए किया था। वह आज भी यही कर रहा है। लेकिन ये ध्यान दे कि यहाँ ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कभी नहीं चुनता है। यहाँ लिखा है, तुम में से ज्यादातर, परमेश्वर कुछ बुद्धिमान लोगों को भी चुनता है, लेकिन उसके द्वारा चुने हुए ज्यादातर लोग मूर्ख ही होते हैं, जो संसार की गिनती में कुछ नहीं होते। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल में हर्षित होता है जो कुछ नहीं होते। अगर आप भारत में मसीहत के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन लोगों ने इस देश को मसीह के लिए प्रभावित किया है, वे कोई बड़े विद्वान लोग नहीं थे। वे ऐसे सामान्य और उच्च शिक्षित लोग थे जो ईमानदार थे। परमेश्वर ने उन्हें लिया, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया और सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। हम ये कभी न भूले। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? इसलिए क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो उसकी विद्वत्ता की क्षमता से परमेश्वर की सेवा करता है, ये सोच सकता है कि परमेश्वर इस वजह से उसे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वह बहुत चतुर है, और वह इसमें घमंड करने वाला बन सकता है। धनवान लोग जो परमेश्वर के काम के लिए उदारता से देते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि वे कलीसिया के लिए बहुत मूल्यवान है क्योंकि उनका धन सुसमाचार फैला रहा है। ऐसे लोग बड़े धोखे में पड़े होते हैं। परमेश्वर सुसमाचार को फैलाने में हमारी बुद्धि और धन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। उसने पहली शताब्दी में अद्भुत रीति से गरीब और अनपढ़ लोगों द्वारा सुसमाचार फैलाया था। परमेश्वर उसका काम इस तरह से करता है कि कोई मनुष्य उसके सामने कभी डिंग नहीं मार सकता। 1:29। जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हम ये नया गाना गाएंगे, वध किया हुआ परमेश्वर का मेमना ही योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12। पौलुस भी स्वर्ग में किसी तरह की महिमा के योग्य नहीं है। बहुत साल पहले मुझे एक बाइबल सेमिनारी के उपाधि ग्रहण समारोह में बोलने के लिए बुलाया गया था। उस वर्ष की कक्षा में प्रथम आने वाले और सबसे ज्यादा इनाम जीतने वाले छात्र ने मेरे पास आकर कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि वो पाप से पूरी तरह हारा हुआ है। वर्षों तक बाइबल के ज्ञान का अचूक संग्रह करने के बाद भी वह गंदे विचारों और स्त्रियों की लालसा करने से छुटकारा नहीं पा सका है। उसने कहा कि 4 साल के बाइबल अध्ययन के बाद उसकी दशा असल में बाइबल कॉलेज में प्रवेश लेने के समय की दशा से भी बुरी हो गई थी। उसके पास्टर बनने के बाद उसका बाइबल का सारा ज्ञान उसकी मदद कैसे करेगा? क्या वो लोगों को बाइबल के इब्रानी और यूनानी शब्दों के मूल शब्दों के अर्थ सिखाएगा? ये लोगों की सबसे बड़ी जरूरत नहीं है। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वे पाप पर कैसे जय पा सकते हैं। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वह एक गैर मसीही था जो प्रभु के पास आया था
और वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। मसीही जगत की आज ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दशा है। अनेक डिग्रियों से सुसज्जित होकर बाइबल के ज्ञानी लोगों को ऐसी परिकल्पनाओं की शिक्षा दे रहे हैं जो प्रतिदिन के जीवन में काम नहीं करती। वे लोगों की अगुवाई करते हुए उन्हें जीवन के वृक्ष की बजाय ज्ञान के वृक्ष के पास ले जा रहे हैं, जो मृत्यु लाता है। इसलिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि या बुद्धि पर कभी घमंड न करें। आपका घमंड परमेश्वर को आपके द्वारा उसके उद्देश्य पूरे करने से रोकेगा। पौलुस स्वयं तरसुस के एक धनवान परिवार से था। तरसुस एक ऐसा नगर था जहां यहूदी व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, और पौलुस का पिता जरूर एक धनवान व्यापारी रहा होगा। एक युवक के रूप में पौलुस यरूशलेम की सबसे अच्छी सेमिनारी में गया था, जहां विद्वान गमलियल प्राचार्य था। ऐसे प्राचार्य के हाथ के नीचे अध्ययन करना बड़े गौरव की बात थी। पौलुस सिर्फ एक धनवान परिवार से ही नहीं आया था, उसकी बुद्धि भी बड़ी विलक्षण थी। वह किसी भी क्षेत्र में बहुत सफल हो सकता था। अगर वह आज के समय में होता तो वह एक उच्च श्रेणी का कंप्यूटर इंजीनियर या डॉक्टर या व्यापारी बन सकता था, लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए वह अपनी किसी योग्यता पर निर्भर नहीं रहा था। उसने सूली को यह अनुमति दी कि वह उसकी मानवीय योग्यताओं में उसके भरोसे को क्रूसित कर दे। उसने कुरिन्थियों के मसीहों से कहा, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय की गवाही देता हुआ आया था तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया था। 2:1 उसका प्रचार मानवीय चतुराई के शब्दों में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में था, जिससे कि लोगों के विश्वास का आधार मनुष्य का ज्ञान नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ हो। 2:4 जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मैं उनके सामने ये चुनौती रखना चाहता हूँ, अपना प्रचार सहज बनाए। मैंने परमेश्वर के वचन का जो पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय तक प्रचार किया है, उसमें मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया है, जो छोटे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, क्या उन्हें मेरी बात समझ आ रही होगी? क्या सिर्फ बहुत बुद्धिमान लोग ही समझ वाले होते हैं? भारत में उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए अंग्रेजी भाषा दूसरे क्रमांक पर है और जो अंग्रेजी के बड़े शब्द नहीं समझ सकते? क्या उन्होंने मेरी बात को समझा होगा? अगर छोटे बच्चे मेरी बात समझ लेंगे तो बाकी सभी लोग भी समझ लेंगे। इसलिए बोलते समय मैं बच्चों को लक्षित करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने किया था। अगर सिर्फ चतुर लोग ही आपकी बात समझते हैं तो फिर आप यकीन कर सकते हैं कि 90% लोगों को आपकी बात समझ नहीं आई है। तब आपने अपने प्रचार से क्या हासिल किया है? शायद आपको बाइबल के एक बड़े ज्ञाता या एक बहुत प्रभावशाली वक्ता होने का सम्मान मिल जाएगा और शायद कुछ धन भी मिल जाएगा। क्या आपको ये सब चाहिए या आप लोगों को आशीष देना चाहते हैं? ये चुनाव आपको करना है। जब मैं एक युवक था तब प्रभु ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तू लोगों को प्रभावित करना चाहता है या उनकी मदद करना चाहता है? मैंने कहा, प्रभु मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा, तब उनको प्रभावित करना बंद कर। वह मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ था। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो अपना प्रचार सहज रूप में करें। परमेश्वर अपने सत्य ऐसे लोगों पर प्रकट नहीं करता जिन्हें अपनी बुद्धि और डिग्रियों पर गर्व है, बल्कि उन पर करता है जिनके हृदय बच्चों जैसे होते हैं। मत्ती 11:25 यीशु सहज रूप में बोलता था, बच्चे भी उसकी बात समझ सकते थे। इसलिए पौलुस मूल रूप में यहाँ ये कह रहा है,
हालांकि मेरी बुद्धि बहुत कुशाग्र है और मैं एक बड़ा विद्वान हूँ और मैं तुमसे बात करने में इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सब कुछ मसीह के चरणों में रख दिया है, मेरी सारी योग्यता, मेरा ज्ञान और मेरी विद्वत्ता, और मैंने तुमसे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक में एक बहुत ही सामान्य तरीके से बात करने का फैसला किया है कि पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को सिर्फ तुम्हारे मनों में ही नहीं बल्कि तुम्हारे हृदयों की गहराई में पहुंचा सके। मैं यही चाहता हूँ। मैं अपनी चतुराई से तुम्हें प्रभावित करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय को कायल करे और तुम्हारी अगुवाई करते हुए मसीह में जीवन की भरपूरी में पहुंचाए। ये सूली का वचन है। कुरिंथियों के मसीही बच्चे थे, इसलिए पौलुस को उन्हें दूध ही पिलाना पड़ा था। लोगों से बात करते समय हमें पहले उनका आत्मिक स्तर मालूम करना पड़ता है ताकि फिर हम उन्हें वही दे सके जो उनके लिए उचित है। परिपक्व ईश्वरीय लोगों के बीच बोलते समय हमें एक तरह से बोलना पड़ता है और जो मसीह में बच्चे हैं उनसे बोलते समय एक दूसरी तरह से बोलना पड़ता है। कुरिंथियों के लोग बहुत समय से विश्वासी थे लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई थी, इसलिए पौलुस उन्हें ठोस भोजन नहीं खिला सका। उसने उन्हें दूध ही पिलाया। लेकिन जब पौलुस ज्यादा परिपक्व मसीहों से मिलता था तो उन्हें वह मसीह की गहरी बातें सुना सकता था। 2:6 परिपक्व मसीहों के साथ हम जैविक और आत्मिक मसीहों के बीच के फर्क की बात कर सकते हैं और जैविक जीवन को मौत के घाट उतारने की बात कर सकते हैं आदि। लेकिन बच्चों के साथ हम सामान्य बातों जैसे मन फिराव, पापों की क्षमा, दोष, अपराध बोध, गुस्से और गंदे विचारों पर जय पाने के बारे में ही बात कर सकते हैं। हमें बच्चों को दूध ही देना पड़ता है क्योंकि वे ठोस भोजन नहीं खा सकते, क्योंकि उसे चबाना पड़ता है। लेकिन परिपक्व लोगों से बात करते समय भी हम इस संसार की चतुराई से भरे विचारों द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से बोलते हैं। 2:6-7 परमेश्वर की यह बुद्धि को न तो मानवीय आँख से देखा जा सकता है, न मानवीय कान से सुना जा सकता है और न ही मानवीय मन उसे समझ सकता है। ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा उसे हम पर प्रकट करे। 2:9-10 इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर एक कुशाग्र बुद्धि है या मंद बुद्धि है। पिछली शताब्दियों में हमने देखा है कि परमेश्वर ने अक्सर सामान्य लोगों को, जिनका बुद्धि का स्तर नीचा था, एक उत्कृष्ट सेवकाई दी और उनके द्वारा अपनी कलीसिया का निर्माण किया। बाइबल के बड़े विद्वान आज भारत में क्या कर रहे हैं? वे गांव में जाकर लोगों को मसीह के पास नहीं ला रहे हैं, नहीं, वे बाइबल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुसमाचारीय सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और अमेरिका से आर्थिक समर्थन प्राप्त बड़ी संस्थाओं में निदेशकों के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। वे मसीह कौन है जो भारत में परमेश्वर का असली काम कर रहे हैं? उनमें से ज्यादातर सामान्य, कम पढ़े लिखे लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो लोगों को मसीह के पास लाते हैं और उन्हें स्थानीय कलीसियाओं में स्थापित करते हैं। ये परमेश्वर का असली काम है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे निकम्मे और मनुष्यों से आदर पाने के भूखे मसीहों को सुसमाचारीय सम्मेलनों में उनके शोध पत्र प्रस्तुत करने दो, अंतरराष्ट्रीय समितियों के सदस्य बनने दो और संस्थाओं में निदेशक बनने दो। लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जाकर लोगों को प्रभु के पास लाए और उसके कलीसिया का निर्माण करें।
मैं अपने जीवन भर यही करना चाहता हूँ। मैं किसी समिति का सदस्य बनने या किसी सम्मेलन में एक शोध पत्र प्रस्तुत करने में अपना समय कभी नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं लोगों को प्रभु के पास लाना और उन्हें कलीसियाओं में स्थापित करना चाहता हूँ। पत्रस और पौलुस और बाकी सभी प्रेरितों ने यही किया था। धर्म परिवर्तित या शिष्य। अध्याय 3 में हम सुसमाचार प्रचार और कलीसिया के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। कोई कहता है, मैं पौलुस का हूँ और मैं अपुल्लुस का हूँ। 3:4 पौलुस कहता है, क्या फर्क है, हम दोनों ही सेवक है। मैंने बोया और अपुल्लोस ने सींचा। 3:6 पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया, उसने भूमि को खोदा और बीज बोया, बाद में अपुल्लोस ने आकर उसमें पानी दिया। उसने भूमि नहीं खोदी और न कोई बीज बोया। वह करने की जरूरत क्या थी जब किसी ने वह पहले ही कर दिया था? अगर उसने फिर से भूमि को खोदा होता तो वह बीज का ही नाश कर देता। अब तो बीज को पानी की जरूरत थी, इसलिए अपुल्लुस ने वही किया। कुछ सुसमाचार प्रचारक उनके बोए हुए में किसी दूसरे के द्वारा पानी दे देने से बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं, आप कहीं दूसरी जगह जाकर क्यों नहीं बोते, मेरे खेत में क्यों आते हो? लेकिन ये खेत आपका है या प्रभु का है? अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो वह परमेश्वर का खेत है, और जो आपने बोया है वह उसमें पानी देने के लिए अपने किसी दूसरे सेवक को भेज सकता है। पौलुस को इस बात की समझ थी, इसलिए जो अपुल्लोस कर रहा था वह उससे खुश था। लेकिन अगर आप अपने ही खेत में काम कर रहे हैं तो वह एक दिन लकड़ी, घास फूस और भूसे की तरह जला दिया जाएगा। 3:12-15 आज हो रहे ज्यादातर सुसमाचार प्रचार का ये दुर्भाग्य है कि लोग ये कहते हैं, ये मेरा है, इसका परिवर्तन मेरे द्वारा हुआ है। इस वजह से परमेश्वर की दागबारी में बहुत से काम को दोहराया जा रहा है। बहुत से मसीही एक ही काम को बार बार किए जा रहे हैं, और हर एक व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे परमेश्वर ने बुलाया है। अगर पौलुस ने बोया है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि अपुल्लोस ने आकर फिर से न बोया बल्कि उसने पानी दिया है? इसमें एक कमजोर पौधा बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाएगा। पहली शताब्दी में उन लोगों में इस तरह का आपसी सहयोग था, लेकिन ये अफसोसजनक बात है कि आज हम मसीही जगत में जो देखते हैं वह सहयोग नहीं बल्कि स्पर्धा है। इसलिए हम ये सीखें कि हम दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए काम को फिर से न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और किसी भी काम को मेरा न कहें। प्रभु ने जो महान आज्ञा हमें दी वह सुसमाचार प्रचार करना है, मरकुस 16:15, और फिर उन्हें शिष्य बनाना और उन्हें वह सब कुछ सिखाना है जिसकी आज्ञा उसने दी है, मत्ती 28:19-20। इस उदाहरण पर विचार करें, अगर आप 100 लोगों को एक पेड़ का ताना उठाए हुए देखें जिसे एक तरफ से 99 व्यक्तियों ने उठाया हुआ हो और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने उठाया हुआ हो, तो आप मदद करने के लिए किस तरफ जाएंगे? आज बहुत से देशों में 99% मसीही सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं और सिर्फ 1% ही परिवर्तित लोगों को शिष्य बना रहे हैं और उन्हें एक स्थानीय कलीसिया में निर्मित कर रहे हैं। इसलिए मैंने तना पकड़े हुए 1% वालों की तरफ जाकर मदद करने का फैसला किया था। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो दूसरी तरफ है, उनकी भी जरूरत है, लेकिन वहाँ पहले ही जरूरत से ज्यादा लोग हैं। पौलुस और अपुल्लोस मिलकर काम कर रहे थे और उनके द्वारा मन फिराए हुए लोग प्रभु के लिए थे,
और उनकी कलीसियाएं भी प्रभु के लिए थी। पौलुस ने बोया और अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर है जिसने बढ़ाया। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। पौलुस अपने और अपुल्लोस के बारे में कहता है, हमारा कुछ नहीं है और हम कोई नहीं है। 3:7। इस वजह से ही वे एक सुसंगत रूप में काम कर सके। दो ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं है आसानी से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों में से एक ये सोचने लगता है कि वह कुछ है, तब समस्याएं पैदा होने लगती है। अगर आप कहीं एक स्थानीय कलीसिया का निर्माण करें, तो मैं आपको इस आधार पर एक सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भारत और दूसरी जगहों में प्रभु को 40 साल तक कलीसियाएं स्थापित करते देखा। आप पहले कुछ भी नहीं बन जाए और अपने सभी मन फिराए लोगों को कुछ भी नहीं बना दे, फिर आप एक अद्भुत कलीसिया बना सकेंगे। ऐसी कलीसिया जिसमें स्पर्धा नहीं सहयोग होगा, एक ऐसी कलीसिया जिसमें उसके अगुए से लेकर एक नए मन फिराए हुए व्यक्ति तक सभी सिर्फ एक शून्य हो, तो वह जगत की सबसे अच्छी कलीसिया होगी। वे सब शून्य हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन सब के सामने यीशु को रख देंगे जो एक है, तो सिर्फ 9 लोगों की कलीसिया की कीमत भी 100 करोड़ हो जाएगी। एक और उसके आगे 9 शून्य। इसलिए आप कुछ बनने का नहीं, बल्कि पौलुस और अपुल्लोस की तरह कुछ भी नहीं बनने का फैसला करें। फिर पौलुस आगे बढ़ते हुए एक बुनियाद रखने और उस पर निर्माण करने के बारे में बताता है। बुनियाद और ढांचा दोनों का महत्व एक जैसा है। पौलुस ने पहले एक बढ़ते हुए पेड़ का उदाहरण दिया था, बोना और पानी देना। अब वह एक इमारत का चित्र प्रस्तुत करता है। बुनियाद और ढांचा, पद 10-12। कलीसिया की बुनियाद सिर्फ मसीह है, सूली पर उसका सिद्ध प्रायश्चित, जिसमें हमारा कोई काम जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस बुनियाद पर एक अनन्य ढांचे का निर्माण कैसे होना है। आप किस तरह की कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं? क्या वह ऐसी है जो आकार और गुणवत्ता में प्रभावशाली है? हर एक मसीह सेवक को अपने आप से यही सवाल पूछना चाहिए, क्या मुझे संख्या आकार चाहिए या गुणवत्ता? हम सोने चांदी और मूल्यवान पत्थरों से या लकड़ी घास फूस और भूसे से निर्माण कर सकते हैं। 3:12। अंतिम दिन संख्या या आकार नहीं, बल्कि गुणवत्ता काम आएगी। 3:13-14। एक निश्चित धनराशि से आप जितना सोना चांदी और मूल्यवान पत्थर खरीद सकते हैं, उसे कहीं ज्यादा मात्रा में लकड़ी घास फूस और भूसा खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आप कुछ ऐसा विशाल और भव्य बनाना चाह रहे हो जो लोगों को अभी और यहां प्रभावित करे, तो आप लकड़ी घास फूस और भूसे का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी इमारत के पूरा होते ही उसे आग द्वारा परखा जाएगा, तो चाहे आपकी इमारत का आकार उस लकड़ी घास फूस और भूसे की इमारत का सिर्फ 1% ही हो, फिर भी आप सोना चांदी और मूल्यवान पत्थर ही चुनेंगे जो आग को सह सकती है। हम सब के पास सीमित समय है। हमारे पास जीने के लिए हजारों सालों का समय नहीं है। नया जन्म पाने के बाद हमारे पास प्रभु के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 साल हो सकते हैं। तो आप ये 60 साल कैसे खर्च करेंगे? क्या आप कुछ विशाल लेकिन एक हल्की गुणवत्ता वाला बनाना चाहेंगे जो अंतिम दिन जलकर भस्म हो जाए, या आप कुछ ऐसा बनाएंगे
जो चाहे छोटा हो, लेकिन सबसे तीव्र आग द्वारा परखे जाने पर भी टीका रह सके। बहुत से विश्वासी ऐसे कलीसियाएं बनाते हैं जो आकार में तो बड़ी होती है लेकिन उनकी गुणवत्ता हल्की होती है। लेकिन कुछ लोग बुद्धिमानी से बनाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली छोटी कलीसियाएं बनाते हैं जिनमें वे मन फिराव और शिष्य बनने का प्रचार करते हैं। आंकड़ों के अनुसार ये पहली कलीसिया जैसी प्रभावशाली नजर नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जब प्रभु सब कुछ आग से परखेगा तो लकड़ी, घास फूस और भूसे की विशाल इमारतें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी और उनका कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन खर्च करके शिष्य बनाते हुए छोटी इमारतें बनाई और जिन्हें दूसरे मसीहों ने तुच्छ जाना क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा नहीं था, वे ये देखेंगे कि उनकी इमारत आग में से निकलकर अनंत में पहुंच गई है। तो आप अपना जीवन कैसे खर्च करेंगे? यीशु ने कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ। क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमेशा के लिए बना रहेगा? ये वो सवाल है जो हमारे मनों में हमेशा बना रहना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है, क्या मैं उस तरह बना रहा हूँ उन सिद्धांतों के अनुसार जो यीशु ने सिखाए हैं? क्या मैं ऐसे शिष्य बना रहा हूँ जो सबसे बढ़कर यीशु को प्यार करते हैं, या मैं सिर्फ ऐसे धर्म परिवर्तित लोग तैयार कर रहा हूँ जो सिर्फ ये कहते हैं, प्रभु यीशु, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ, लेकिन शिष्य बनना नहीं चाहते? अगर प्रभु के सामने खड़े होने के दिन आप अपने जीवन भर के सारे काम को भस्म होता देखेंगे तो सोचिए कि आपको कितना पछतावा होगा। ये हो सकता है कि आप उद्धार पाकर स्वर्ग में चले जाए, लेकिन आपको स्वर्ग में अनंत के लिए उस पछतावे के एहसास में रहना पड़ेगा कि आपने उस एक सांसारिक जीवन को बर्बाद कर दिया जो परमेश्वर ने आपको दिया था। मैं उस पछतावे में जीना नहीं चाहता। मैं सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थरों से निर्माण करना चाहता हूँ। मैं यहाँ प्रभु के लिए एक गुणवत्ता से भरा काम करना चाहता हूँ। मसीह के सच्चे सेवक। अध्याय 4 में हम प्रभु की सेवा के बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं। प्रभु के एक सेवक के लिए ये जरूरी है कि वह सिर्फ वही करे जो उसका स्वामी उससे कहे। 4:2 लिविंग बाइबल। एक विश्वास योग्य दास होने का ये अर्थ है। ये सवाल नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, लेकिन ये कि क्या आप सिर्फ वह करते हैं जो आपको प्रभु ने करने के लिए बोला है और जिस तरह से वह चाहता है कि वह हो। ऐसा होने के लिए आपको परमेश्वर की बाट जोहनी पड़ेगी और उससे पूछना पड़ेगा, हे प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी को अपने सेवक के रूप में रखा हो तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी मर्जी से आपके लिए जो करना चाहे वो करता रहे। नहीं, आप ये चाहेंगे कि वो आपकी बात सुने और वही करे जो आप उससे करने के लिए कहें। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है, ज्यादातर मसीही सेवक वो नहीं सुनते और उन ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे परमेश्वर के काम को उस तरह करते हैं जो उन्हें सही लगता है, उनके अपनी चतुराई से भरे विचारों के अनुसार जो अक्सर सांसारिक होते हैं। प्रभु की सेवा करने के लिए वे अपने ही कार्यक्रम बनाते हैं और उनमें इतना धीरज नहीं होता है कि वे प्रभु के सामने बैठकर अपने लिए उसकी इच्छा जानने की बाट जोहते रहे। अध्याय 4 में पौलुस कहता है कि मसीह के सच्चे सेवक जो सूली के मार्ग में चलते हैं, वे इस संसार में आदर,
नहीं पाएंगे और इसमें सांसारिक विश्वासी भी शामिल है। परमेश्वर की कलीसिया में प्रेरित सबसे बड़े सेवक होते हैं। वे कलीसियाओं के प्राचीनों के लिए प्राचीन होते हैं। प्रेरित कलीसियाएं स्थापित करते हैं, प्राचीन नियुक्त करते हैं और उन प्राचीनों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन संसार इन प्रेरितों को कैसे देखता है? मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है। 4:9 संसार की नजर में प्रेरित सामाजिक सीढ़ी पर सबसे नीचे है। वे ऐसे कैदियों की तरह है जिन्हें जल्द ही मृत्युदंड मिलने वाला है। उन्हें लोग घूर घूर कर देखते हैं। वे मूर्ख है, ठट्टों में उड़ाए जाते हैं, लात मारकर कभी यहां तो कभी वहां फेंके जाते हैं। 4:9-11 लिविंग बाइबल। पौलुस अपनी और दूसरे प्रेरितों की तुलना कुरिन्थियों के शारीरिक मसीहों से करता है। वह कहता है, तुम तृप्त हो, धनवान हो और संसार द्वारा बुद्धिमान समझे जाते हो, लेकिन हम संसार द्वारा तुच्छ समझे जाते हैं। ये संसार यीशु मसीह के एक सच्चे प्रेरित का आदर नहीं करेगा। संसार सिर्फ शारीरिक मसीहों का आदर करता है। अगर आप संसार से आदर पाना चाहेंगे तो आप भी अंततः एक शारीरिक मसीह बन जाएंगे। मसीह का एक सच्चा प्रेरित सुसमाचार के प्रचार से कभी धनवान नहीं बनेगा। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो सुसमाचार के प्रचार से धनवान बन गया है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि वह मसीह का सच्चा प्रेरित नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने सुसमाचार के प्रचार द्वारा अपने परिवार के लिए बड़े बड़े घर और जमीन जायदाद खरीद ली है, वह मसीह का प्रेरित नहीं है। एक व्यक्ति जो सुसमाचार के प्रचार द्वारा प्राप्त किए हुए धन से अपने लिए एक महंगी कार खरीद सकता है, वह मसीह का प्रेरित नहीं है। वह सिर्फ एक शारीरिक मसीह है। पौलुस अपने प्रचार के दान द्वारा बहुत सा धन अर्जित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक सुसमाचार के प्रचार से पैसा नहीं कमाता। वह अपनी सांसारिक जरूरतें पूरी करने के लिए उपहार स्वीकार कर सकता है, जैसे यीशु और उसके प्रेरितों ने किया था, लेकिन इससे वह करोड़पति नहीं बन जाएगा। लेकिन ये बातें उससे विपरीत है जो हम आज मसीही जगत में होता हुआ देख रहे हैं। इस वजह से ही इन तथाकथित प्रेरितों और प्रचारकों के लिए जो बीमारों को भी चंगा करते हैं, मेरे मन में जरा सा भी आदर नहीं है। मैं इन सुसमाचारीय प्रचारकों की तुलना में जो गरीब लोगों से दसवांश लेते और सुसमाचार प्रचार द्वारा धनवान बन जाते हैं, उन रोमन कैथोलिक पादरियों का ज्यादा आदर करूंगा जो उत्तर भारत में जाकर एक साधारण जीवन बिताते और गरीब लोगों की मदद करते हैं। आप किसका अनुसरण करेंगे, पौलुस और पत्रस का या आज के इन जालसाजों का? पौलुस आगे कहता है, हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है, हम अपने हाथों से कठोर परिश्रम करते हैं। 4:11-12 पौलुस आर्थिक रूप में अपनी देखभाल खुद करता था, लेकिन फिर भी उसकी बुराई की जाती थी और उसे बदनाम किया जाता था। लोग उसके बारे में झूठी बातें फैलाते थे, लेकिन वह उन्हें आशीष देता था। वह जहां कहीं भी गया, लगभग हर एक जगह में उसे सताया गया और वह संसार का मैल और सब वस्तुओं का कूड़ा करकट बन गया था। 4:13 इसका अर्थ है कि संसार ने उसे गंदे पानी के पाइपों में बहने वाले कीचड़ से ज्यादा और कुछ नहीं समझा था। उस समय के संसार के सबसे बड़े प्रेरित के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। इसके विपरीत कुरिन्थियों के मसीहों द्वारा संसार द्वारा आदर किया जाता था और वे बड़े सम्मानित थे।
और वे इसे बहुत खुश थे। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि मसीह जगत में अब इस बात की कोई समझ नहीं बची है कि परमेश्वर का सेवक होने का क्या अर्थ होता है। हमारा काम यह है कि हम अपने देश में ये दिखाएं कि परमेश्वर का एक सच्चा सेवक होना क्या होता है। ऐसा व्यक्ति होना जो कोई समझौता नहीं करता और अपने लिए संसार से कोई आदर नहीं पाना चाहता। परमेश्वर किसी भी धर्म ज्ञान की डिग्रियों या दूसरी सांसारिक योग्यताओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसी योग्यताओं से शैतान भी नहीं डरता। ज्यादातर मसीह सिंहासनों पर बैठना और सम्मानित होना चाहते हैं। उस मार्ग में न जाइए। अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के नम्र और दीन सेवक बने रहे। अगर संसार और बेबीलोनी मसीहत भी आपको अस्वीकार करे तो भी एक सामान्य भाई या बहन बने रहे। क्या पौलुस को उन कुरिंथियों से ईर्ष्या हो रही थी जो बड़े सम्मानित थे और सुख सुविधाओं में रहते थे? नहीं, उसे उन पर दया आ रही थी क्योंकि वह उनसे ज्यादा आशीषित अवस्था में था। उसने उन्हें लज्जित करने के लिए नहीं बल्कि उनसे एक पिता की तरह बात की। 4:14 परमेश्वर का एक सच्चा सेवक एक पिता होता है। वह लोगों को लज्जित नहीं करता। अगर एक छात्र कुछ गलत करे तो शिक्षक अपने छात्रों को लज्जित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पिता अपने संतान द्वारा कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने पर भी उसे लज्जित नहीं करेगा। लेकिन मसीही जगत में पिताओं और शिक्षकों का तुलनात्मक औसत दर 1:10,000। अगर एक पिता है तो 10,000 शिक्षक है। 4:15 पौलुस ने फिर आगे कहा, ये हो सकता है कि तुम सब बड़ी अद्भुत बातों के प्रचार कर रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा तो मैं तुम्हारा प्रचार नहीं सुनूंगा। मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे जीवन में कितनी सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। 4:19-20 पहले 4 अध्यायों में पौलुस सूली के वचन की नींव रखता है। फिर अध्याय 5 से वो कुरिंथियों की कलीसिया की समस्याओं से निपटना शुरू करता है। संसार की आत्मा कुरिंथियों की स्थानिक कलीसिया में घुस गई थी। अध्याय 5 पवित्र शास्त्र का एक मूल्यवान हिस्सा है क्योंकि वो हमें सिखाता है कि प्रेरितों ने कलीसिया में पाप से कैसे छुटकारा पाया। संसार की आत्मा पौलुस यहाँ अनैतिकता से निपटता है। कुरिंथुस के मूर्ति पूजक मंदिरों में बहुत अनैतिकता थी और वह आत्मा अब कलीसिया में घुस गई थी। कोई व्यक्ति अपनी सौतेली माँ के साथ एक व्यभिचारी संबंध में था और उसे इस बारे में कोई पछतावा भी नहीं था। और कलीसिया के प्राचीन इतने डरपोक थे कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। उनमें इतना नैतिक साहस नहीं था कि वे उस व्यक्ति को कलीसिया में से बाहर निकाल देते। वे शायद सज्जन कहलाए जाना चाहते थे। अगर एक प्राचीन किसी को कलीसिया में से निकाल देता है तो वह सज्जन कहलाए जाने की अपनी लोकप्रियता खो सकता है। दूसरे उसकी आलोचना करेंगे और ज्यादातर प्राचीन ये नहीं चाहते कि वे एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाए। बहुत से प्राचीन कलीसिया की शुद्धता से ज्यादा अपने सज्जन होने की ख्याति से ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका लक्ष्य लोकप्रिय होना होता है और इस मामले में वे एक राजनेता की तरह होते हैं। एक ऐसा प्राचीन या पास्टर कलीसिया का नाश ही करेगा। ये संभव है कि पाप में रहने वाला ये व्यक्ति धनवान हो। ज्यादातर प्राचीन अपनी मंडली के धनवान और प्रभावशाली लोगों की गलतियों को सुधारने से डरते हैं और इसके अनेक कारण होते हैं। ऐसे लोग कलीसिया में बहुत दान देते हैं, वे प्रभावशाली होते हैं और जब कभी आप किसी कष्ट में पड़ते हैं
तो वे मदद करते हैं। इसलिए पास्टर और प्राचीन ऐसे लोगों को नहीं छेड़ते, वे सिर्फ गरीब लोगों को अनुशासित करते हैं। लेकिन पौलुस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह व्यक्ति धनवान था या निर्धन। उसने उसे शैतान को सौंप दिया और कलीसिया के प्राचीनों से उसे कलीसिया से निकालने के लिए, उससे कोई संपर्क न रखने के लिए कह दिया। 5:13 कभी कभी लोगों को कलीसिया से बाहर निकालना पड़ता है। यीशु ने कहा, पहले ऐसे व्यक्ति से जाकर अकेले में बात करो। मत्ती 18:15-18 अगर वह आपकी न सुने तब अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाओ और उससे बात करो। अगर वह फिर भी न सुने और पाप करता रहे तो उसके बारे में पूरी कलीसिया से कहे। अगर वह फिर भी पाप के जीवन को न छोड़े तो उसे कलीसिया से निकाल दिया जाए। कलीसिया में एक अनुशासन की जरूरत है, वैसे ही जैसे एक घर में होती है। एक घर जिसमें बच्चों को अनुशासित नहीं किया जाएगा एक अस्त व्यस्त घर होगा, और एक कलीसिया जिसमें लोगों को अनुशासित नहीं किया जाएगा वह एक अस्त व्यस्त कलीसिया होगी। जिस घर में बच्चों को अनुशासित नहीं किया जाएगा वह एक ऐसा घर होगा जिस पर बच्चे अपना कब्जा जमा लेंगे और पिता को एक कोने में असहाय दशा में बैठे रहना पड़ेगा। एक अनुशासनहीन कलीसिया में जिसमें कोई अनुशासन नहीं है, प्राचीन असहाय हो जाएंगे और दूसरे उस पर कब्जा जमा लेंगे। ऐसा बहुत सी जगहों में हुआ है क्योंकि प्राचीनों ने पवित्रता से ज्यादा लोकप्रियता को चाहा। इसका क्या अर्थ है? एक व्यक्ति को शैतान को सौंप दो कि उसके शरीर का नाश हो जाए। इसका अर्थ है कि शैतान को यह अनुमति दे दी जाए कि वह बीमारियों द्वारा उस पर हमला करे। सारी बीमारियां शैतान की तरफ से होती है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है और कोई प्रेमी पिता अपने बच्चों को बीमारी नहीं देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी कभी बीमार होने दे सकता है, जैसा उसने पौलुस के साथ होने दिया था। परमेश्वर ने शैतान को यह अनुमति दी कि वो पौलुस की देह में एक कांटा चुभाए रहे और पौलुस के प्रार्थना करने पर भी उसे चंगा नहीं किया गया। 2 कुरिन्थियों 12:1-7 लेकिन वह पौलुस के भले के लिए था, वह उसे घमंड से बचाए रखने के लिए था। परमेश्वर किसी को प्रलोभित भी नहीं करता, लेकिन वह शैतान को यह अनुमति देता है कि वह हमें प्रलोभित करे। इसलिए पौलुस ने इस मन न फिराने वाले भाई को शैतान के हाथ में सौंप दिया कि वह उसे बीमार कर दे, जिससे उसकी समझ खुल जाए और वह मन फिरा ले। उसे कलीसिया से निकालकर बाहर किया जाना था कि फिर कोई विश्वासी उससे न मिले, और उस आत्मिक अंधकार में काफी धन संपत्ति होते हुए भी उसे ये एहसास होता कि उसने क्या खोया है। और तब ये आशा की जा सकती थी कि वह मन फिराकर लौट आए। सब बातों में परमेश्वर की महिमा करना। अध्याय 6 में पौलुस उन विश्वासियों के बारे में बात करता है जो दूसरे विश्वासियों को अदालतों में घसीट ले जाते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अदालत में क्यों ले जाना चाहेगा? क्योंकि वह ये मान लेता है कि कलीसिया के प्राचीन उसकी समस्या हल करने में उसके कोई मदद नहीं करेंगे, और ये कि सर्वसामर्थी परमेश्वर भी उसके कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए वह मदद के लिए सांसारिक अदालत में मामूली मनुष्यों के पास जाता है। पवित्र आत्मा कहता है कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात में परमेश्वर का निरादर होता है। क्योंकि ये ऐसा है मानो वह अपने बच्चों की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। विश्वासियों के बीच हमेशा समस्याएं रहेंगी, लेकिन उन्हें
वे समस्याएं कलीसिया के प्राचीनों के पास ले जानी चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर उनकी मदद करेगा। उन्हें एक सांसारिक अदालत में नहीं जाना चाहिए। पौलुस आगे कहता है, अगर तुम्हारा साथी विश्वासी तुम्हारे साथ छल करता है तो तुम ही छल क्यों नहीं सह लेते? 6-7। लेकिन इसके बजाय वे एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती कर रहे थे। वे अपने साथी विश्वासी को अदालत में ले जा रहे थे। पवित्र आत्मा कहता है, जो लोग ये करते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश न करने पाएंगे। अगर आप एक विश्वासी को अदालत में ले जाएंगे तो आप कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। 6-9। ये एक गंभीर पाप है क्योंकि इससे यीशु का नाम बदनाम होता है। यीशु ने कहा, जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इससे ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना 13:35। लेकिन आप अविश्वासियों को ये दिखा रहे हैं कि मसीह के लोग आपस में लड़ते हैं और इस तरह उन्हें शैतान की तरफ ढकेल रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अब स्वयं तुम भी स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य नहीं रहे हो। एक मसीह को अपने सम्मान में नहीं परमेश्वर की महिमा में दिलचस्पी होनी चाहिए। तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। क्या अपने भाई को अदालत में ले जाने द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे? नहीं, तो फिर ये न करें। आप अपने भाई को अदालत में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि आप उससे घृणा करते हैं। आप चाहते हैं कि एक मानवीय न्यायाधीश उसे दंड दे। उसे दंडित होने के लिए परमेश्वर के हाथ में क्यों न सौंप दिया जाए? अपना बदला स्वयं लेकर हिसाब चुकता करने की न सोचो। ये तुम्हारे करने का काम नहीं है। न्याय मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं इस सारे मामले को संभाल लूंगा। रोमियो 12:19। मैसेज बाइबल। पौलुस फिर जीवन के ऐसे 3 स्तरों की बात करता है जिस पर लोग रह सकते हैं। सब वस्तुएं उचित तो है लेकिन सब वस्तुएं हितकर नहीं है। 6:12। ज्यादातर अविश्वासी एक गलत अधर्मी स्तर पर जीते हैं। किसी भी विश्वासी का इस स्तर तक पतन नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ इस स्तर तक गिर जाते हैं। अगर वे हटीले होकर उसी स्तर पर रहेंगे तो वे अपना उद्धार खो देंगे। एक विश्वासी के लिए न्यूनतम स्तर अगला स्तर है, सही धर्मी। लेकिन एक स्तर इससे भी ऊंचा है, लाभदायक। 100 कामों में से 70 काम अवैध हो सकते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना है। लेकिन हम बाकी बचे 30 सही व्यवस्था अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन उन 30 में से सिर्फ 10 काम ऐसे होंगे जो आत्मिक रीति से लाभदायक होंगे। एक पूरे हृदय से समर्पित मसीही सिर्फ वे 10 काम ही करेगा। लेकिन अर्ध समर्पित मसीही उन 30 सही कामों में से कोई भी करने का चुनाव करेंगे। अगर आप पूरे हृदय से समर्पित परमेश्वर के एक प्रभावी सेवक होना चाहते हैं तो आपको सही कामों में से लाभदायक कामों को चुनना पड़ेगा। समय के उदाहरण पर विचार करें। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप इस समय का कुछ हिस्सा गंदे चलचित्र, मूवीज या अश्लील पत्रिकाएं पढ़ने में बिता देंगे तो वह आपके समय को एक अवैध तरह खर्च करना होगा। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से सही काम होते हैं जिनमें आप अपना समय खर्च कर सकते हैं। उनमें से कुछ काम जरूरी होते हैं और हमें वे करने पड़ते हैं,
लेकिन आप अखबार पढ़ने में कई घंटे खर्च कर सकते हैं, जो हालांकि सही है, लेकिन हमारे पूरे दिन के लिए ये जरूरी नहीं कि वो लाभदायक हो। अगर आप परमेश्वर के एक उपयोगी सेवक होना चाहते हैं, तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या में से कुछ अनावश्यक कामों को हटाकर उस समय को परमेश्वर के कामों में लगाना पड़ेगा। आप इंटरनेट पर कई घंटे साफ सुथरी साइट्स पर सर्फिंग करने में खर्च कर सकते हैं, या टीवी पर मसीही कार्यक्रम भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। या वैकल्पिक रूप में आप इंटरनेट पर सर्फिंग करने में सांसारिक समाचार आदि जानने के लिए थोड़ा समय खर्च कर सकते हैं, और फिर आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए ज्यादा समय होगा। अगर आप टीवी पर एक साफ सुथरा कार्यक्रम देखने में या कोई अच्छी इंटरनेट साइट देखने में 2 घंटे खर्च करते हैं, तो आप पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह समय बर्बाद करना हो सकता है, क्योंकि वही समय आप बाइबल पढ़ने या जरूरतमंद लोगों की मदद करने में खर्च कर सकते थे। इसी तरह पैसा खर्च करने के भी अवैध, सही और लाभदायक तरीके हो सकते हैं। एक पूरे हृदय से समर्पित मसीही अपने समय और अपने पैसे को लाभदायक तरीकों से इस्तेमाल करेगा। हमें सही चुनाव करना सीखना होगा। एक ईश्वरीय जीवन का भेद हमारे द्वारा किए जाने वाले चुनावों में रखा होता है। हम अपने समय में जितने भी सही काम कर सकते हैं, उसमें हमें अपना समय सबसे अच्छे तरीके से खर्च करना चाहिए। हम अपना धन जितने भी सही तरीकों से खर्च कर सकते हैं, उनमें से हमें सबसे अच्छे तरीके चुनने चाहिए। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के लिए उपयोगी होगा। इसके बाद हम अपनी देह किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? पौलुस इस बारे में बात करता है, मेरी देह की लालसाएं मुझ पर प्रभुता न करने पाएंगी। 6:12-13। हमारी देह के लिए भोजन जरूरी होता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भोजन आप पर प्रभुता न करे। अगर आप भोजन से इतना प्रेम करेंगे कि वो आपका स्वामी बन जाए, तो आप परमेश्वर के लिए एक उपयोगी सेवक नहीं हो सकते। आपको इस दासत्व से मुक्त होना पड़ेगा। उपवास करने द्वारा हमें इसी बात में मदद मिल सकती है। सिर्फ हमारी आत्मा ही नहीं, हमारी देह भी मसीह के देह का अंग है। 6:15। इसलिए हमें उसे किसी अनैतिक काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ प्रभु के ही विशिष्ट उपयोग के लिए हो। मेरी आंखें, मेरी जीभ, मेरी देह का हर एक अंग, देह के लिए प्रभु की ये एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, जिस प्रतिज्ञा पर मैं सालों से अपना अधिकार होने का दावा करता रहा हूं। देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। 6:13। अगर आप एक सार्थक रूप में ये कहे, प्रभु मेरी देह सिर से पांव तक पूरी तरह तेरी है, मेरी आंखें, मेरी जीभ, मेरा सब कुछ तो प्रभु पूरी तरह आपकी देह के लिए होगा, वह आपकी देह को उसकी सेवा के लिए तब तक पूरी तरह भला चंगा रखेगा जब तक वह चाहेगा कि आप उसकी सेवा करते रहे। वह उसको बीमारी से भी बचा कर रखेगा। जवान लोग भी थक सकते हैं, लेकिन जो अपनी देह प्रभु को देते हैं, वे आकाश में उकाब की तरह उड़ेंगे। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर भी है। 6:19। और इसलिए हमें उसे किसी भी तरह दूषित नहीं करना है। अगर आप एक कलीसियाई भवन में सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते और व्यभिचार नहीं करते, तो आपको वह अपनी देह में भी नहीं करना है।
क्योंकि परमेश्वर का असली मंदिर कोई भवन नहीं है बल्कि आपकी देह है, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पद 20। इन 9 पदों का समूह 6वां अध्याय 12 से 20। पवित्र शास्त्र में ये एक ऐसा अद्भुत भाग है जो हमें बताता है कि हमें अपनी देह को कैसे इस्तेमाल करना है और परमेश्वर ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है। मैं आपको इस पर मनन करने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें एक स्वस्थ देह की जरूरत होती है। बहुत से मसीही चंगाई की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य चंगाई से अच्छा होता है। रोग से बचाव करना रोग का इलाज करने से अच्छा है। पेटू होकर बीमार पड़ने और फिर परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करने से कम खाकर स्वस्थ रहना ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर से ये न कहे कि वह आपका चंगा करने वाला हो, बल्कि ये कहे कि वह आपका स्वास्थ्य हो। अपनी देह पूरी तरह उसको सौंप दे और कहे, तू मेरी देह का स्वास्थ्य है। तू जब तक चाहता है कि मैं पृथ्वी पर रहते हुए तेरी सेवा करूं, तो मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ। मैं अपनी देह में तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तूने सूली पर मुझे अपने लिए खरीद लिया है। मेरी देह सिर्फ तेरी है। हमारी देह ऐसे घर की तरह है जिसे किसी ने खरीद लिया है, प्रभु ने। अब हमें इसे खाली करके इसके कानूनी मालिक को सौंप देना चाहिए कि फिर इसका मालिक इस पर अपना पूरा कब्जा ले सके। जिस घर को किसी दूसरे ने खरीद लिया हो, उसमें रहना पाप है। इसलिए अपनी देह पूरी तरह प्रभु को सौंप दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन सच्चाइयों को हमारे दैनिक जीवन में लागू कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु के प्रभावी सेवक बनाइए, ताकि हम ऐसे चर्च का निर्माण कर सके जो आपको महिमा दे। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।